हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं मुरमुरे और गुड़ की लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। आप इस लड्डू को 1 महीना के लिए एयर टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं। इस मकर संक्रांति में आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रखा है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी गुड़। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े कर लिए हैं, जिससे ये आसानी से पिघल सके। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच पानी, जिससे गुड़ अच्छे से मेल्ट होंगे। अब हमें गुड़ को इसी तरह से लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे, यानी धीमी आँच पे इस तरह से इसे पिघलाएंगे। और ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। घी डालने से होगा कि हमारे जो लड्डू बनेंगे मुरमुरे और गुड़ के, बहुत ही क्रिस्पी और शाइनी से बनेंगे। इस तरह से हम इसे पकाएंगे। अब 2 से 3 मिनट गुड़ को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे, यानी धीमी आंच पे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया था, उसी कटोरी से हम यहाँ पे 3 कटोरी मुरमुरे लिए हैं। मेरे मुरमुरे क्रिस्पी है, इसलिए हम इसे रोस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपके मुरमुरे में थोड़ी नमी हो या उतने क्रिस्पी ना रहे, तो आप उसे खाली कढ़ाई में 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर ले, जिससे वो क्रिस्पी बन जाएंगे। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए क्रिस्पी मुरमुरे का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। गुड़ को हमने 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से पका लिया है। चलिए अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। इसमें हम इस तरह से डाल दिए हैं गुड़ के चाशनी को, और आप देख सकते हैं ये नीचे बैठ गया है, पानी में घुल नहीं रहा है। जब हम इसे इस तरह हिला रहे हैं तो ये देखिए, ये जम गया है। हमें इसी तरीके का गुड़ की चाशनी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें सारे मुरमुरे को डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करना है, जिससे सारे मुरमुरे गुड़ में अच्छे से कोट हो जाए। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। कढ़ाई को मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे रख लिया है। मिक्सचर अभी काफ़ी गर्म है, तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से, और थोड़े से मिक्सचर को हम लेंगे। हमें इसे गर्मा गर्म ही लड्डू के रूप में इसे बनाना है, क्योंकि ये ठंडा हो जाने पे जम जाते हैं, तो इसे हमें जल्दी ही करना है। इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए, ये देखिए, हमने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है। हल्के हाथों से ही दबाते हुए इसे लड्डू बनाना है। आप अपने मन चाहे किसी भी बड़े या छोटे आकार में बना सकते हैं, मैं इसे मीडियम साइज में बना रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और लीजिए, हमने सारे लड्डू इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाजार वाले जैसे। इसका क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कुरकुरे से बनके तैयार हुए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।